लास्ट ईयर जैसा कि हम जानते हैं कि एप्पल ने लास्ट ईयर 2021 में अपने नए मैकबुक प्रोज एप्पल ने यहाँ पे लॉन्च करे, जो थे M1 Pro, M1 Max चिप के साथ, जो एक बहुत ही एडवांस, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर के साथ यहाँ पे लॉन्च हुए थे। तो गाइस ऐसे ही इस साल भी हमें उम्मीद कर रहे थे कि एप्पल अपने नए मैकबुक प्रो विच इज ऑफ M2 चिप यहाँ पे एप्पल लॉन्च कर सकता है, पर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली एप्पल 2023 में अप्रैल इवेंट में ये मैकबुक प्रोज यहाँ पे लॉन्च कर सकता है। तो गाइस मैं मानस जैन, आई हूँ 24/7 एप्पल से, और आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज के ऊपर कि मैकबुक प्रोज यहाँ पे कितने पावरफुल होने वाले हैं अपने पुराने M1 Pro, M1 Max चिप वाले मैकबुक प्रोज के साथ, और कब ये मैकबुक प्रोज यहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं, किन कलर्स में लॉन्च हो सकते हैं, है ना, या फिर कौन से इवेंट में लॉन्च हो सकते हैं, या फिर मतलब इनमें क्या क्या चीजें नहीं आ सकती हैं, क्या क्या चीजें वही सेम रहेंगी। तो बहुत कुछ दोस्तों है मेरे पास बात करने के लिए इस मैकबुक प्रोज के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इन मैकबुक प्रो 2023 के बारे में, जो आएंगे अपने M2 Pro और M2 Max चिप के साथ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे ऐसी लाता रहूंगा। तो अगर आपने कर दिया है, चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो मैकबुक प्रो एम जो हमें नया देखने को मिलने वाला है, जो होंगे 14 इंच और 15 इंच या 16 इंच अपने नए M2 Pro और M2 Max चिप के साथ। तो ऐसे हम सोच रहे थे कि एप्पल जो ये मैकबुक प्रो है ये मोस्ट प्रोबेबली 2022 में अक्टूबर इवेंट में यहाँ पे लॉन्च एप्पल कर सकता है, बट एप्पल को इवेंट यहाँ पे नहीं हुआ और ना ही एप्पल ने कोई यहाँ पर नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करा। तो अब ये दोस्तों ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अब देखिए ये साल तो खत्म होने ही वाला है कुछ 6 डेज में, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट ईयर ही ये नए मैकबुक्स हमें देखने को मिल सकते हैं, या तो WWDC में या फिर अप्रैल इवेंट में, जैसे एप्पल ने लास्ट ईयर किया था अपने iMac के साथ कि एप्पल ने iMac को यहाँ पे लॉन्च किया था 2021 के अप्रैल इवेंट में। तो ऐसे ही ये मैकबुक प्रोज 14 इंच और 16 इंच हमें नए वाले देखने को मिल सकते हैं अपने अप्रैल इवेंट में। अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो यहाँ पे आते हैं कलर्स। तो आप जानते हैं कि जो लास्ट ईयर सॉरी इस साल दोस्तों तो मैकबुक्स का इतना सारा हो गया ना कि जब से एप्पल यहाँ शिफ्ट करा है कि डेट ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो जब से दोस्तों एप्पल ने इस साल अपने WWDC में नया M2 मैकबुक एयर लॉन्च किया अपने नए कलर्स में, जैसे मिडनाइट में जो एक नया कलर है एप्पल की तरफ से, तो जब एप्पल ने ये कलर यहाँ पे लॉन्च करा तो बहुत ही एक प्रोफेशनल सा कलर था ये, कि मतलब बहुत ही नया सा कलर था। तो ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर सपोज आप माइंड में एक विजुलाइज करिए कि अगर एप्पल ऐसा कोई सेम कलर अपने 14 इंचेस और 16 इंचेस मैकबुक प्रो के लाता है तो कितना बढ़िया लगेगा, कि ऑल दैट कीबोर्ड और पूरा जो चैसिस है वो एक मिडनाइट ब्लू में, तो कितनी बढ़िया लगेगी। मैं जब उसको विजुलाइज कर रहा था तो मुझे मनी में इतनी खुशी हो रही थी देखकर कि क्या एक प्रोफेशनल मशीन लग सकती है अगर एप्पल इस कलर में इन मैकबुक प्रोज को लॉन्च करता है। बट बाकी एप्पल है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो एप्पल को यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तो हमें नए कलर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, स्पेस ग्रे, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड भी दोस्तों ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आ सकता है मैकबुक प्रो के साथ, बट मोस्ट वैसे एप्पल ना दे बट प्रिडिक्शन है। और साथ में एक नया मिडनाइट ब्लैक कलर जो एप्पल ने अपने M2 मैकबुक एयर में दिया था, तो ये सेम कलर, ये कुछ कलर्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं अपने M2 मैकबुक प्रोस के अंदर। और अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो यहाँ पे आता है चिप्स को लेकर। अब आप जानते हैं कि लास्ट ईयर एप्पल ने लॉन्च करी M1 Pro और M1 Max चिप, जो बहुत ही मॉन्स्टर चिप थी अपने M1 चिप से, क्योंकि जो M1 Pro M1 Max चिप है वो M1 के ऊपर ही बेस्ड थी, पर उसमें GPU, CPU और बाकी जो एक प्रोसेसर इंटेंसिव जो टास्क होते हैं उसमें एप्पल ने बहुत ज्यादा हाई पे कर दिए थे इन कंपैरिजन टू M1, क्योंकि प्रो मशीन जो होती है उसमें बहुत डिमांडिंग परफॉर्मेंस रहती है, तो इसलिए उसकी जो चिप्स होती है यहाँ पे अलग होती है। तो ऐसे ही इस बार भी हमें M2 Pro और M2 Max देखने को मिल सकती है जो बेस्ड होंगी M2 के ऊपर, पर इसमें कुछ ना कुछ हमें नया यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा यहाँ पे कुछ रिपोर्ट जो आई है, कुछ लीक्स जिनके थ्रू हमें पता चला है कि जो ये चिप्स हैं ये कैसे यहाँ परफॉर्म कर रही हैं। तो जो एप्पल की जो M2 चिप है, अगर हम माने जो मार्क गुरमन और ब्लूमबर्ग के हिसाब से हम देखें जिन्होंने यहाँ पे पोस्ट करा है, तो उन्होंने ये बताया कि जो M2 Max चिप है, जो उसको गीगबेंच में जब एप्पल ने शायद टेस्टिंग करी होगी तो उसमें ये पता चला है कि जो M2 Max चिप है उसके अंदर 12 कोर का GPU है और जिसमें 3.54 GHz में क्लॉक्ड है और साथ में 96 GB की यहाँ पे आपको रैम देखने को मिलती है। यस गाइस, आपने देखा होगा जो M1 Pro और M1 Max चिप है उसमें लास्ट 64 GB रैम तक ही सपोर्टेड है,
पर जो M2 Max चिप आ रही है इसमें आपको 96 GB तक आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जिससे कि आप बहुत सारी एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन रैम के नाम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो एप्पल सिलिकॉन चिप्स है ये आती है अपने यूनिफाइड मेमोरी स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें रैम इसकी इनबिल्ट ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि रैम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, तो 96 GB ऑफ रैम आप सोचिए कि कितनी फास्ट यहाँ पे हो, कितना आप कितनी मल्टीपल एप्लीकेशन कितनी फास्ट यहाँ पे सब इसमें चीजें ओपन होंगी। साथ में इसमें जो स्कोर्स की बात करें तो जो एप्पल इसमें टेस्टिंग करी है तो उसमें जो स्कोर आया है वो आया है 1853 सिंगल कोर और 13,855 आए यहाँ पे मल्टी कोर। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें M1 Max चिप के साथ तो इसमें ये आता है कि जिसमें 10 कोर्स और 3.2 GHz पे क्लॉक्ड है तो उसका जो स्कोर आया था वो आया था 1746 सिंगल कोर और 12,154 आया था मल्टी कोर। तो अगर हम देखें इन डिफरेंसेस को तो आपने देखा हो कि M2 चिप जो है मोस्ट प्रोबेबली 14% फास्टर है M1 Max चिप के साथ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो Geekbench 5 है वो दक्षिण को टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एप्पल कोई ऐसी चिप बनाएगा मतलब M2 के अंदर कि जो सिर्फ 14% या 20% फास्टर होगी। आई गेस कि शायद डिफरेंस बहुत बड़ा होना चाहिए M1 Pro M1 Max के साथ। तो अभी टेस्टिंग मतलब एप्पल की चली रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं रिपोर्ट्स और लीक्स के थ्रू, तो एप्पल टेस्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं। पर ऐसा भी होता है दोस्तों, जो नई चिप्स जब प्रोड्यूस होती है तो वो इतने अच्छे से एक तरह से ऑप्टिमाइज नहीं होती है, वो टेस्टिंग फेज में होती है, तो बहुत सारी चीजें उसमें जो कोर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस शायद इसमें यहाँ पे कम आई हो, पर ये चीज तय है कि जो M2 Max और M2 Pro चिप्स होने वाली है बहुत ही इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल चिप्स यहाँ पे होने वाली है। बहुत ही मतलब मेरा वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एप्पल की जो सिलिकॉन चिप्स है वो कैसा परफॉर्म कर रही है M1 Pro M1 Max M1 M2 और अपकमिंग M2 Pro M2 Max। तो इनके थ्रू मतलब प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं कि एप्पल इन चिप्स के थ्रू बहुत यहाँ पे इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाला है। और दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं दूसरी लीक जो यहाँ पे निकल के आए हैं, दूसरी रिपोर्ट लीक होके आई है Geekbench 5 पे जो लीक करी है ब्लूमबर्ग ने, जिन्होंने पोस्ट किया था लास्ट नवंबर में जो उनकी रिपोर्ट यहाँ पोस्ट करी है, तो उन्होंने बताया जो M2 Max चिप है जो उसको Geekbench 5 पे जब टेस्ट करा गया तो इसका जो स्कोर आया है वो आया है सिंगल कोर पे आया है 2027 और मल्टी कोर पे आया है 14,888। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें प्रीवियसली जो रिपोर्ट लीक हुई थी M2 Max चिप के साथ तो उससे काफी ज्यादा ये फास्टर है और M1 Max से बहुत ज्यादा ये फास्ट है। और M1 Max जो बेस लाइन Mac Studio में आती है जिसमें 10 कोर्स है और 3.2 GHz पे क्लॉक्ड है तो उसके कंपैरिजन में आपके कुछ ज्यादा ही ये फास्ट है M2 Pro M2 Max चिप। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि देखिए जो चिप्स हैं टेस्टिंग फेज में भी तो बहुत सारे कोड्स होते हैं जो इन चिप्स के ऊपर राइट करे जाते हैं, चेंजेस भी होते हैं, तो जिसके चिप उस हिसाब से यहाँ पे परफॉर्म करती है। तो आई गेस जो ये चिप्स हैं जब ये लॉन्च होगी तो बहुत ज्यादा ये फास्ट होने वाली है इन कंपैरिजन टू M2 M1 Pro M1 Max और M1 M1 से तो कहीं गुना ऑब्वियसली फास्टर होगी, बट M1 Pro M1 Max से बहुत ज्यादा यहाँ पे फास्ट होने वाली है, बहुत ही मॉन्स्टर चिप यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि जो मैंने आपको अभी सेकंड रिपोर्ट बताई जिसमें बेंचमार्क टेस्ट हुआ है तो इसमें जो ये CPU निकल के आ रहे हैं जो M2 Max चिप है वो 22% फास्टर है अब की बार M1 Max चिप के साथ इन कंपैरिजन टू 14% फ्रॉम द लास्ट रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है, कुछ आई गेस कि जब ये लॉन्च होंगे तो 30% तक या 25% तक ही फास्टर हो सकती है अपने प्रीडिसेसर M1 Pro M1 Max के साथ। और हम बात कर ले कुछ और नए पॉइंट्स की जो हमें इन MacBook Pro से देखने को मिल सकते हैं। जैसे दोस्तों पहला ये है कि जो 16-inch MacBook Pro Apple ने लॉन्च किया था M1 Max और M1 Pro के साथ तो उसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं था USB-C के साथ, तो अब की बार हो सकता है कि M2 Pro और M2 Max के अंदर हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि जो नया M2 MacBook Air आया है तो उसमें MagSafe के थ्रू फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। तो आई गेस कि अब के M2 Pro M2 Max चिप के साथ ये चीज सपोर्ट यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। दूसरा कि एप्पल ने यहाँ पे ऑब्वियसली रैम यहाँ पे बढ़ा दिया है, जिससे क्या होगा कि जो जितने भी यहाँ पे लैपटॉप्स होंगे M2 के साथ, जैसे M2 MacBook Pro M2 MacBook Air M2 Max M2 Pro MacBook Pros, तो उसमें क्या होगा कि एप्पल अगर रैम बढ़ा दी है तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बेटर देखने को मिल सकती है इन कंपैरिजन टू पुराने MacBook Pros, तो ऑब्वियसली रैम भी हमें यहाँ बड़ी देखने को मिली है। तीसरे हम बात करें सेंटर स्टेज वेबकैम की, तो आप जानते हैं कि एप्पल के वेबकैम शुरू से ही खराब होते हैं, मतलब लैपटॉप कितने अच्छे नहीं होते, तो एप्पल ने 1080p देना शुरू करा है और अपने आईपैड में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी जो थी सेंटर स्टेज, कि जब कहीं भी यहाँ पे मूव करें आईपैड लेकर जो आपका आईपैड का कैमरा है वो आप पे ही फोकस करेगा, मतलब आप बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, आपका बैकग्राउंड चाहे मूव करे पर आप बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। तो हो सकता है ये टेक्नोलॉजी अब की बार एप्पल M2 के साथ यहाँ पे दे दे, क्योंकि M2 का जो न्यूरल इंजन है या जो M2 का जितनी भी कैपेबिलिटीज है ऑब्वियसली पुराने प्रोसेसर से बहुत ज्यादा
फास्ट होंगी, बहुत ज्यादा अलग होंगी, तो आई गेस M2 इसको बड़े अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि M1 प्रोसेसर भी iPads के अंदर ये चीज सपोर्ट कर रहा है। हालांकि एप्पल ने अब की बार नहीं दिया अपने 16 और 14 इंचेस में, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि M2 के साथ एप्पल इसको यहाँ पे लॉन्च भी कर सकता है। बात करें अपने लास्ट पॉइंट की जो यहाँ पे आता है बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस को लेकर, तो देखिए जो M1 Max जो MacBook Pros हैं तो उसमें एप्पल ने हाई पावर मोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था अपने अपकमिंग macOS Monterey वर्जन के साथ। तो इसमें आप क्या क्या हाई पावर मोड आप करते हैं तो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और साथ में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर ज्यादा लगेगी तो बैटरी बहुत जल्दी यहाँ पे कंज्यूम होगी, तो इससे क्या होगा बैटरी लाइफ यहाँ पे कम होगी। और जितने भी MacBook Pros है उसके अंदर आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जैसे 120 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, मतलब आपको रिफ्रेश रेट डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं, तो उससे भी बैटरी यहाँ पे काफी कंज्यूम होती है। तो इसलिए आपके लिए हो सकता है कि इस M2 के साथ एप्पल चीज को यहाँ पे फिक्स कर दे कि अगर हाई पावर मोड में आप यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप्स को तो बैटरी लाइफ इतनी इंपैक्ट ना हो, बैटरी लाइफ भी आपको अच्छी मिले, परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और साथ में जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन के ऊपर जो आपको सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले देखने को मिलती है अपने MacBook Pros में, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है, तो आई गेस उसमें भी आपको कुछ ऐसे चेंजेस करें कि आपको बैटरी लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिले। तो गाइस यही था इस M2 MacBook Pros के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो यहाँ पे बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप पसंद आई तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जल्दी यहाँ पे जाइए और जल्दी यहाँ पे कर दीजिए। बाय बाय गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।